अहम उसमें जो कॉन्स्पिरेटर था वो अरेस्ट है और उसकी इंसाफ पर, उसकी डिस्क्लोजर्स पर, उसकी इंटरोगेशन के बाद जो बाकी फॉलोअप एक्शन है वो कुछ हद तक अभी एक कॉन्फिडेंशियलिटी के दायरे में है। ये फाइटर्स को इस तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन के दायरे में तो आने वाले नहीं है, ये तो विजय साहब जैसे कहते काइनेटिक एक्शन में इनको गोली मार के इनको ढेर कर दे विल बी ट्रीटेड एज एनिमी एजेंट। और हमारे एनिमी एजेंट एक्ट में सजा जो है वो मिनिमम है लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ, देयर इज नो अदर ऑफ माने पनिशमेंट, इट इज ए हार्शर लॉ देन UAPA। कठुआबली जो इंसिडेंट है इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, लास्ट जो मुझे याद है 6 के तक हुआ है, पर इस केस जो है अभी SIA को सौंप दिया गया है। और रियासी वाली जो अटैक है वो NIA को दे दी गई है, पर जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें एक जो अहम उसमें जो कॉन्स्पिरेटर था वो अरेस्ट है और उसकी इंसाफ पर, उसकी डिस्क्लोजर्स पर, उसकी इंटरोगेशन के बाद जो बाकी फॉलोअप एक्शन है वो कुछ हद तक अभी एक कॉन्फिडेंशियलिटी के दायरे में है। और इन्वेस्टिगेशन में जब NIA इसको ले चुकी है तो उस पर उस इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स के बारे में पब्लिक डोमेन में बात करना शायद ठीक नहीं रहेगा। अगर आप ये सवाल करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में एक SIA को जा चुका है, एक NIA को जा चुका है और हम एक्टिवली कंसीडर कर रहे हैं कि इस तरीके की जो टेरर अटैक्स हैं तो वो ज्यादातर प्रोफेशनल एजेंसीज को जाए ताकि वो सस्टेन्ड तरीके से इसको आगे इन्वेस्टिगेशन करें, इनकी कॉन्स्पिरेसी, इनकी जो जो लोग इसमें मुलवस हैं, जिन लोगों ने फैसिलिटेट करा है, जिन लोगों ने इसको एड और अबेट करा है, उसके सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन में जो लोग आएंगे उसको करने के लिए एक प्रोफेशनल तरीके से एजेंसीज को दी गई। जी डोडा छतरगला डोडा में देखिए ऐसा है कि वो दे आर नॉट अटैक्स इन द सेंस दैट दे आर अटैक्स ऑन द सिविलियंस, यू सी दे आर पार्ट ऑफ द सीक एंड डिस्ट्रॉय सर्च एक्शंस। सो आई थिंक द राइट वे ऑफ उसको सही तरीके से अगर मैं बयान करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 1-1.5 महीने में ये बात जरूर है कि फॉरेन टेररिस्ट्स, हम तो ये सोच रहे हैं अभी कि अभी मैं आने से जस्ट पहले मैंने अपने पुलिस के एक आला लॉ ऑफिसर से बात कर रहा था कि क्या हम इसमें एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस को लागू कर सकते हैं, यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर में, शायद वो कहीं नहीं है, जम्मू कश्मीर में हमारा एक स्पेशल लॉ है एनिमी एजेंट एक्ट या ऑर्डिनेंस, वो इसलिए बना है कि जब फॉरेन रेडर्स, फॉरेन लोग, खासकर पाकिस्तान, जब वो लोग फॉरेन इन्वेडर्स या रेडर्स, यही लफ्ज इस्तेमाल होता है उसमें, अगर वो आ जाते हैं और सिविल स्ट्राइक फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, गवर्नमेंट को तितर बितर करने के लिए, अंग्रेजी में वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि टू डिस्टर्ब एंड डिस्टेबिलाइज गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ, और क्या उनका मकसद है कि डराएं और तितर बितर करें और अपना जो आइडियोलॉजी है उसको जबरन फैलाएं, तो इस तरीके का जो होता है। तो उसमें जो आपने मुझे पूछा इन्वेस्टिगेशन वाली बात, देखिए ये फाइटर्स तो इस तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन के दायरे में तो आने वाले नहीं है, ये तो विजय साहब जैसे कहते काइनेटिक एक्शन में इनको गोली मार के इनको ढेर करना है, इनको जो सपोर्ट की बात चल रही है उसकी अगर आप पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दायरे में,
मैं कहीं किसी जगह पे कहा कि दे विल बी ट्रीटेड एज एनिमी एजेंट, और हमारे एनिमी एजेंट एक्ट में सजा जो है वो मिनिमम है लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ, देयर इज नो अदर ऑफ मैंने पनिशमेंट, इट इज ए हार्शर लॉ देन यूएपीए। उसमें लिखा है टेररिस्ट एसोसिएट, एसोसिएट ऑफ ए टेररिस्ट एंड एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द एनिमी हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड हु आर नो लोको स्टैंडाई हियर, वो आके जब हमको मारने के लिए, हमारे निहत्ते लोगों को मारने के लिए, बिल्कुल बेकसूर लोगों को मारने के लिए आ जाते हैं, और उनको जो साथ देता है उनको एनिमी एजेंट के तहत, आई एम श्योर हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लिए हैं उसको उसके दायरे में लाएंगे इनको, और उनको इनको सजा दे पाएंगे। सो हाउ थैंक यू, दैट्स ऑल। अगर मुझे, मैंने इतना ही प्रूफ करा कि आपने एक पाकिस्तानी को या पाकिस्तान से आया हुआ किसी बंदे को आपने किसी भी तरीके से एड करा, अबेट करा, रिजल्ट कुछ भी हो, मतलब खाली करा आपने, आई लॉट टू प्रूव टू थिंग्स, आई हैव मेड माई केस इन ए वे, इट इज द यूएपीएस इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंस विल को विल ओवरलैप, विल हैव ए इंटरसेक्शन, बट द डिफरेंस हियर इज ए हार्शर लॉ विल कम इन टू प्ले। देखिए, टेररिस्ट अपना वाला बिगड़ा हुआ लड़का भी तो हो सकता है, उसमें तो मैं यूएपीए नहीं लगा सकता, सॉरी एनिमी एजेंट नहीं लगा सकता, वो चाहे कितना भी घिनौना काम किया हो, बड़ा सा बड़ा बम फोड़ा हो, अगर अपना है यहां का, पर बाहर का आदमी है, पाकिस्तानी है, और आपने उसको मदद करी, वी विल इन्वोक एनिमी एजेंट एक्ट। वेल, आवर अंडरस्टैंडिंग इज बिकॉज वी हैव नीड, दे आर यूजुअली नॉट कॉट अलाइव, वी सपोज इफ दे आर कॉट वंस वी वुड नो द फुल ट्रुथ, बट टिल दैट टाइम गिवन द वे दे आर फाइटिंग और दे आर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ यू नो टेररिजिंग एंड देयर मोडस ऑपरेंडी, इसको किसी को भी मतलब देयर इज ये चलते चलते कॉमन आदमी को भी मारने से हिचकिचाते नहीं है, तो उससे लगता है कि इट डजंट मेक अ डिफरेंस एज फार एज वी आर कंसर्न, इट्स अ मैटर ऑफ एक्चुअली टैक्टिक्स, यू नो फॉर अस ही इज एन एनिमी, वेदर ही हैज कम फ्रॉम ए यूनिफॉर्म बैकग्राउंड और ही हैज कम फ्रॉम ए जेल और ही हैज कम फ्रॉम ए टेरर फैक्ट्री। You see, I have always said that this fight will be won with the help of the people. It will be won with a group of BDG, SPOs and local police supported by our central armed forces. And in this, I always say that when a warlike situation or a terrorist challenge of this nature is imposed on us, there would be some losses. We will try minimize the losses with the help of our training and determination and tactics. There could be losses on the civilian side, but certainly the enemy will get, finally will be given a defeat. And if they are thinking that we are shying away from this just because of the fear of the losses, I would urge my countrymen, I would urge my citizens of Jammu and Kashmir and natives of Jammu and Kashmir, that the first bullet will be of the policemen. Today, as I speak to you, when Farid got the bullet, he was at the forefront. और वो नीचे उतरने के बाद पूरी की पूरी टोला फिर जा रहा था उनके लड़ने के लिए, ठीक है, उन्होंने जगह की डिफिकल्टी, उन्होंने टेक्नोलॉजी की सहारा और उन्होंने पहाड़ और फैलाव का मदद लेते हुए कुछ हद तक करेंगे, पर आपको याद है कि 1995-2007 में इन्होंने भी कोशिश करी थी इसको वो करने के लिए, एक मनसूबा, कामयाब तो नहीं हुए, लॉसेस थोड़ी सी हुई, पर जीत किसकी हुई फाइनली। तो ये अगर सोच के आए हुए हैं तो हमको दम रखना पड़ेगा, और हम रख रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान में हम इनको जल्द से जल्द, हम 2-3 महीने में इनको नास्तोनाबूद करें।